कहिए रे भैया, कुछ काम था? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी भेजी है, कहा है कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब ये मैजिकल पूरी खाते ही मुझे मिलेगी सोतली की सोल और मेरा 10th हेड। माँ ठीक है ना? ठीक लग रहा है अभी। माँ लेकिन हुआ क्या था आपको? लगता है अचानक गले में फ्रूट अटक गया, पर इतने छोटे छोटे पीस तो है। हाँ। फिर अटका कैसे? होता है करुणा जी, ऐसा होता है कभी कभी। कहीं मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये शिंकाई के दुश्मनों की कोई चाल तो नहीं? मुझे यहाँ माँ को ठीक करने में भटका कर उस सुतली को। थैंक गॉड विवान आज हम बच गए, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि वो गॉड नो नो नो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। अरे दीदी, अंत भला तो सब भला, और देखे हमें सारे बलून भी मिल गए। अब मुझे कुछ भी करके आने नहीं आती दीदी को यहाँ से वापस भारत कर भेजना होगा। अब बन जाऊंगा मैं 10 सरों वाला रावण, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे एविल, सबसे पावरफुल विलन। ध्यान से सुन लो बालवीर, आज तुम्हारा दी एंड पक्का। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे विवान, एक गड़बड़ हो गई, मैं सुतली की आत्मा को बचा नहीं पाया, लेकिन यहां आने से पहले मैंने उसे वीर वस्त्र पहना दिया था जिससे अब वो ठीक है। फिकर नॉट भैया, हमें सारे बलून मिल चुके हैं और अब बस हमें इन बलून में से बच्चों की सोल को बाहर निकालना है। और उस रावण को भी शक्तिशाली बनने से रोकना है। बहुत अच्छे विमान, इसलिए तो मैंने अनन्या दीदी को किसी भी बहाने भारत नगर वापस भेज दिया। अनन्या, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लॉन्ग स्टोरी है भैया, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल्स को बाहर निकालना है। रुको बालवीर। क्या हुआ दोनी परी? चौरे ने तुम दोनों के लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? ये कि अगर इन बच्चों की आत्मा इन गुब्बारों में से बाहर निकल भी गई, तभी शिंकाई वाले दुश्मन के 10 सर उसके पास ही रहेंगे। और अगर तुमने सारी शक्तियां मिलाकर उन गुब्बारों को नष्ट कर दिया तो उन गुब्बारों में बंद बच्चों की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी बालवीर। शौर्य ने अगर समस्या बताई तो उसका कोई ना कोई हल भी बताया होगा। उपाय एक ही है बालवीर, और वो है परम धनुष। लेकिन परम धनुष तो कल विजयदशमी के दिन ही पूर्ण तरीके से तैयार हो पाएगा, और हमारा दुश्मन आज रावण बन चुका है।
भैया, इसका मतलब हम उससे एक दिन पीछे हैं। परम धनुष हमें कल मिलेगा, लेकिन अगर उसने हम पर आज ही अटैक कर दिया तो? आज नहीं, वो अभी हम पर वार कर रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने भारत नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाया था, जिससे मुझे पता चल रहा है कि 10 सिरों वाला रावण भारत नगर आ चुका है। ध्वनि परी, डुबा डुबा, आप दोनों इन गुब्बारों की सुरक्षा कीजिए। एंड मैं और देवू भैया रावण को उसका इंश्योरेंस कवर लेने के लिए मजबूर कर देंगे। पर अब वो महाशक्तिशाली हो गया है और तुम उसे हरा नहीं सकते। हराएंगे तो कल, आज तो केवल उसे 12 घंटों के लिए रोक के रखेंगे। कल विजयदशमी के दिन माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ परम धनुष का आवाहन करके बुराई का अंत करेंगे। अब तुम्हारे बेकार का सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता बालवीर, आज तुम्हारा खत्म होना पक्का है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दिल से बुलाया नहीं, दिल से चाहा है कि आज इस दुनिया में तुम दोनों का आखिरी दिन हो, और ये मेरा वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। माना कि आपके पास 10 सिर है, लेकिन 10 के 10 सिर एक ही बात बोले काफी बोरिंग हो जाता है यार। सारी एनर्जी क्या इसी में वेस्ट करनी है? तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? विवान, हम जहां भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेगा, क्योंकि ये हम पर हमला करना चाहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। यस, और ये देखने में भी मजा आएगा कि वो हम दोनों में से पहले किसे फॉलो करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किसे मांगता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जिसे ज्यादा कमजोर समझता हो उसका पीछा करे। भैया, माँ मेरे गान घुमाने का और आप मेरी बात घुमाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन फिलहाल तो हम इस रावण को घुमाते हैं। चलो, तो मेरे पीछा है, पर इसका मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझे विवान से ज्यादा ताकतवर समझते हो या कमजोर? क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकतवर या कमजोर, क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड! इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवी, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है। तो अब तुम जब यहां पर हो, वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहां पर हूं।
शायद तुम्हें भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूं। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूं। मैं जल में हूं, मैं जल हवा में हूं, मैं आकाश में हूं, I am happy कि तुम मेरे ही पीछे आए, वरना बड़े भी है तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते हैं। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ। दोनों बालवीरों को एक साथ एक समय पर खत्म करूंगा। मैं एक जैसा दर्द दूंगा तुम दोनों को, एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए लेकिन मैं पूरा बालवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूँ तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं हाथों से खत्म करता हूँ। तो शुरू करें। लेट्स बिगिन। नहीं था मैं तुम्हें। रावण को ज्यादा देर के लिए फाइट में रोक के नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विमान, योजना अच्छी है। इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे।
बालवीर, बारा, कहाँ डर कर चुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता, तब तक ना मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा, क्या तुमसे हो पाएगा? भागो बालवीर भागो, आज जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है। लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोग को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूँ, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। तो मंडली, मैं क्या कह रहा था? अरे अरे बोलो, नहीं सुनो, मतलब सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आज नवदुर्गा की आखिरी रात है ना, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज रात हम माता जी का नाम लेकर जगराता करते हैं। हाँ। मस्त मस्त। और जगराते के बाद कल सुबह यहीं से माता जी का विसर्जन भी कर लेंगे। हाँ। रुको बहु, तुम इतना फास्ट फॉरवर्ड में तेज़ क्यों जा रही हो? जरा धीरे का धीरे का। हाँ करुणा जी, आराम से गाइए, जल्दी गाने से जगराता जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको जितना भी फास्ट फॉरवर्ड में भजन गाना हो, मैं तो आराम से डांस करूंगी। अरे पता नहीं पापा जी, मैं तो नॉर्मली गा रही थी, कैसे तेज तेज हो गया मालूम नहीं। धीरे का धीरे का। करुणा जी आप फिर से गाइए, इस बार कानून की तेज नजर आप पर रहेगी। शुरू करो। जी, ये कोई लामी थोड़ी ना है जो आप फास्ट फास्ट डांस कर रही है, फास्ट फास्ट गा रही है। धीरे धीरे कीजिए, कुछ समझ में तो आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तेज गा रही हूँ। अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा है मैं तेज तक क्यों जा रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ गया, फास्ट फास्ट क्यों ना कर रही हूँ। अरे आंटी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे हारमोनियम दीजिए, मैं बजाती हूँ, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, और मैं प्रॉपर स्पीड पे गाना गाऊंगी। जल्दी हम भी पत्नी आंटी से डांस करेंगे। भैया पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विवान, थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया। रुक भैया, इंडिया में सनराइज हो रहा है, हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। Yes, we did it, भैया। अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा, जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे। और साथ ही साथ हमें खुशी दीदी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ? वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म एंड इंजन बंद। नहीं विवान, हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा।
अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। क्यों? कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरे यूनिवर्स की टूर करवा रहे हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं बालवीर। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक रेप बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी, बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए। ना वो दोनों बालवीर का गेम ओवर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.